इसीलिए हम आजादी को हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण स्टेट है, ऐसे स्टेट में हम को जरा ये 24 वर्ष से धक्का लगा है कांग्रेस को, और यहाँ पर आज नवीन पटनायक जी 24 वर्षों के लंबे कार्यकाल उनकी बहुत बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन काम करने के बाद और उन्होंने जिनके साथ काम किया वो भी कम से कम 10 साल से मोदी जी उनके साथ ही है। उन्होंने इस राज्य के भलाई के लिए एक होकर काम कर रहे हैं, ऐसा हम पहले सोचे थे, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। वो अब उनका एक दूसरे का जो ओपनली झगड़ा चल रहा है उससे मालूम होता है कि हमारे उड़ीसा स्टेट का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बगैर बात करे तुम लोग अंदर से ही एक होकर अपने तख्त की हिफाजत करने के लिए जो कोशिशें की, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। और आम तौर पर यहां उड़ीसा में भीषण बेरोजगारी है, दूसरा बेतहाशा महंगाई है। आपको तो मालूम है देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने उठाया है, और यहां पर भी और भी महंगाई ज्यादा है। उड़ीसा की पहचान सस्ते मजदूर मुहैया कराने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। वो सब ये लोगों ने बना दिया। यहां पर इतना नेचुरल रिसोर्सेस है, और यहां का रिसोर्सेस बाहर जाके बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़े बड़े यानी एम्प्लॉयमेंट मिलने के जो आसार बाहर होता है यहां पर वो नहीं मिलता। इसको अगर दूर करना है तो हम ये दोनों सरकार को बदलना होगा। और तीसरा, खास करके ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है, तो इसीलिए हम जो बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं, और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और तीसरा, युवाओं में भीषणतम बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और हम अभी हमारे साथ जो नेता आए थे उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% आईएलओ रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें? 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है, और फिर भी लोगों से वोट पूछते हैं,
तो किस मुंह से वो पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहां के लोगों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया, और यहां पर कोई मदद ही नहीं किया, सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक मैं क्या कहूं कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई इसके लिए है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और एक होकर इस देश को रखने के लिए, और तीसरा कि जो आज कल हेट स्पीचेस करके समाज में जो डिवीजन कर रहे हैं मोदी साहब, तो उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और ये बहुत से माइनिंग और अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी यहाँ पर बहुत लूट हो रही है, और बड़े बड़े जो भी प्लांट्स बने, कुछ भी बने, तो पहले के हैं, इनके तो कोई इसमें हिस्सा नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने राज्य के हित में काम करना चाहिए, और उसी ढंग से मोदी जी जो आज हर जगह जाके बोल रहे कि मैं 400 पार सीट ले रहा हूं, अरे 400 पार कहां लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं? आप केरला में हैं? आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है, और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है, और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं, और तेलंगाना में ये लोग हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर। और यहां पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले हमारे इनको मिलते थे, अपना पटनायक जी को, अब यहां पर भी वो